नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं इस अद्भुत कोर्स में, माइंड मास्टरी में। जी हां, ये कोर्स वाकई में अद्भुत है, यूनिक है, क्योंकि आप जीवन में जो भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक कामयाबी हो या चाहे वो भौतिक कामयाबी हो, जब तक आप अपने मन के बारे में, आप अपने मन के ऊपर मास्टरी प्राप्त नहीं कर लेते, नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेते, अंकुश प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको जीवन में भौतिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की कामयाबी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो यह कोर्स अद्भुत और यूनिक कैसे है? यह कोर्स अद्भुत और यूनिक इसलिए है क्योंकि आज तक जितने भी पुस्तकें लिखी गई हैं मन की शक्ति के बारे में, जितने भी शिविर, जितने भी कोर्सेज हैं मन की शक्ति के बारे में, उनमें अभी तक जो बताया है, और मैं आपको इस कोर्स में जो सिखाने वाला हूं, अद्भुत टेक्निक्स के जरिए, मेथड्स के जरिए जो मैं आपको समझाने वाला हूं, सटीक उदाहरणों के जरिए, तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक आपको जो मन की शक्ति के बारे में बताया गया था उसमें काफी त्रुटियां थी। आपने वो चार अंध इंसानों की कहानी सुनी होगी कि चार अंध इंसानों को ये पूछा गया, एक कोई दूर हाथी जो खड़ा था, चार अंध इंसानों को ये पूछा गया कि उस हाथी को जाके स्पर्श करके ये बताएं कि ये हाथी कैसा होता है। एक अंध इंसान गया और उसने हाथी की पूंछ को छुआ और हाथी की पूंछ को पकड़ के उन्होंने बताया कि हाथी जो है रस्सी जैसा होता है। दूसरा जो अंधे इंसान था, उन्होंने हाथी के पैर को छुआ और उन्होंने बताया कि हाथी जो है एक खंभे जैसा होता है। और इसी तरह चारों अंध इंसानों ने हाथी के बारे में अपना अपना अनुभव बताया। किसी ने बताया हाथी रस्सी जैसा होता है, किसी ने बताया हाथी खंभे जैसा होता है, किसी ने बताया हाथी दीवार जैसा होता है। और हम जानते हैं कि चारों अंध इंसानों ने हाथी के बारे में अपना जो अनुभव बताया था वो उनके अपने अपने निजी अनुभव थे, और उनमें से किसी का भी जो वृतांत था हाथी के बारे में वो सही नहीं था। दोस्तों, मन के बारे में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब तक जितने लोगों ने मन के बारे में समझाने की कोशिश की है, मन की शक्तियों के बारे में बात की है, वो सारा उनका निजी दृष्टिकोण था। और मैं दावे से कहता हूं आपको कि इस कोर्स में मैं आपको जो मन की शक्ति के बारे में, मन के बारे में मैं जो समझाऊंगा, सटीक उदाहरणों के साथ आपको यकीन हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं मेरी बात बिल्कुल सच है। आपको इस कोर्स में न केवल मन के बारे में सही कंसेप्ट पता चलेगा, मन वास्तव में क्या है, मन की शक्तियां कितने प्रकार की और किस प्रकार की होती है ये पता चलेगा, लेकिन इस कोर्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सटीक उदाहरणों के साथ, इफेक्टिव टेक्निक्स के साथ, मेथड के साथ कुछ ऐसी बातें सिखाऊंगा कि आप यकीनन अपने जीवन में मन की शक्ति का अद्भुत उपयोग कर पाएंगे। सवाल यह है, क्या आप अपने मन की शक्ति का उपयोग करते हैं या मन आपका उपयोग कर रहा है? आपने देखा होगा कि समंदर की मौजों में एक नाविक जो है अपनी नाव को लेके जाता है, तो वो आंधी तूफान के थपेड़ों में अपनी नाव को जो है बचा नहीं सकता है, लेकिन यही नाविक के पास यदि सेल है, जिसको सड कहते हैं, एक जो बहुत बड़ा कपड़ा बंबू के साथ बंधा होता है, और नाविक जो है हवा की दिशा के मुताबिक उस सड को, उस सेल को पकड़ के नाव को सही दिशा देता है। तो ये जो सेल है वो मन की तरह है। अगर आप मन को वश में कर लें तो आप मन की शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं, ठीक वैसे जैसे नाविक हवा के रुख का उपयोग सेल की मदद से करते हैं। यदि आपने मन की शक्ति के बारे में सही तरीके से नहीं समझा है तो माइंड आपके लिए एक लायबिलिटी बन सकता है, वरना माइंड एक एसेट है। मन हमारी एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी शक्ति है हमारे पास कि अगर हम इनका सही उपयोग करना सीख ले, वही तो जो है इंसान को बाकी प्राणियों से अलग करती है। वरना
जिसमें सिर्फ जान है उसको हम जानवर कहते हैं, जिसमें सिर्फ प्राण है उसको हम प्राणी कहते हैं, लेकिन हम मानव कहलाते हैं। क्योंकि जिसके पास मन की शक्ति है, जिसको परमात्मा ने मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार अंतकरण दिए हैं, जिसके पास किसी परिस्थिति का आकलन करके तार्किक विश्लेषण करके निर्णय लेने की शक्ति है, उसे हम मानव कहते हैं। तो इस माइंड मास्टरी कोर्स में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे आप अपने मन की अवस्था और मन की अवस्था के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करके अपने शरीर की अवस्था यानी कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये आप इस कोर्स में सीखेंगे सटीक उदाहरणों के साथ और अद्भुत इफेक्टिव टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस के जरिए। मन दरअसल में एक माध्यम है जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली वो शक्ति यानी कि परमपिता परमेश्वर जो इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस है, इन्फिनाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसके साथ जोड़ता है। हमारे आसपास जो भी है, सजीव निर्जीव जो भी है, वो ऊर्जा और चेतना के संयोजन से बना है, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस के संयोजन से बना है। और हम अपनी चेतना की शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त मन की शक्ति का उपयोग करके हमारे जीवन को सुखी समृद्ध और शांति से परिपूर्ण बना सकते हैं और पूरा जीवन हम अपने जीवन में एबंडेंस को प्राप्त कर सकते हैं, ब्लिस को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कोर्स में सिखाए जाने वाली टेक्निक्स और मेथड्स के जरिए आप अपनी चेतना की शक्ति को अपने जीवन में आपको जो भी लक्ष्य प्राप्त करने हैं उसके ऊपर एक लेजर की तरह फोकस कर सकते हैं। और कहते हैं कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जब आप अपनी चेतना की शक्ति को किसी लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करते हो तो कहा गया है कि जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उस लक्ष्य को मिलाने के लिए साजिश करने लगती है, आपने सुना होगा। पर इस जो बात को प्रैक्टिकली कैसे उपयोग में लाया जाए आज तक किसी ने मन को डिफाइन करके, मन की शक्ति को डिफाइन करके नहीं समझाया है, जो आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप इस कोर्स को पूरा सीख लेंगे, समझ लेंगे, सारे वीडियोस देख लेंगे, उसके बाद आपको मन की शक्ति के बारे में बिल्कुल सटीक और करेक्ट नॉलेज प्राप्त हो चुका होगा। मन की शक्ति को कैसे उपयोग में लाया जाए ये आप सीख चुके होंगे। उतना ही नहीं, लेकिन अपने माइंडसेट को कैसे बदला जाए वो भी आप सीख सकेंगे। दरअसल इंसान का जीवन दो अलग अलग माइंडसेट के बीच में संघर्ष में बीतता है। एक होता है स्कर्सिटी माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट या तो एबंडेंस माइंडसेट। कई इंसानों की एनर्जी चेतना उसी बात के ऊपर फोकस होती है कि किस बात की कमी है, क्या खराबी है, क्या नकारात्मक है। और कई लोगों का माइंडसेट हमेशा उनका जो लक्ष्य है, उनकी जो चेतना है, उसी बात के ऊपर फोकस रहती है कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या कहां ग्रोथ की गुंजाइश है। तो आपको मैं टेक्निक्स के जरिए इस कोर्स में सिखाऊंगा कि कैसे आप हमेशा अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं या एबंडेंस माइंडसेट बना सकते हैं और आप देखोगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आने लगता है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ माइंड मास्टरी की इस अद्भुत सफर पे चलने के लिए? तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपको एक टास्क देना चाहूंगा, बिफोर यू वॉच दी अनदर वीडियो, आप दूसरा वीडियो देखें उसके पहले आपको इस वीडियो के साथ जो एक पीडीएफ शीट मिली है जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उसके जवाब बिल्कुल लिखकर अपने आप को इस कोर्स के लिए तैयार जरूर कर लीजिएगा कि आप इस कोर्स के बाद अपने जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं। नकारात्मक बिलीफ या तो नेगेटिव माइंडसेट आपको आपके जीवन को कितनी बुरी तरह से प्रभावित करता है, और तीसरा आप अपने जीवन के अब तक का जो अनुभव है उसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जरूर कर लीजिएगा कि पास में आपने कौन कौन सी गलतियां करी हैं, ऐसे कौन से निर्णय हैं जो आपको पास में लेने चाहिए थे लेकिन नहीं लिए। अगर वो निर्णय ले लिए होते तो शायद आपका आज का जीवन बेहतर होता। ये अभ्यास थोड़ा करके जो पीडीएफ शीट आपको दी है उसमें लिखकर मानसिक रूप से तैयार हो जाइए माइंड मास्टरी की इस अद्भुत सफर पे मेरे साथ चलने के लिए। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।